गणराज तुम्हें ढूंढ रहा जग आज। भगवान है देख सकते कितने प्यारे गणपति बप्पा है। दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग वीडियो में। और अभी लगातार 2-3 दिन से छत्तीसगढ़ में बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी, अभी भी बारिश हुआ और अभी तकरीबन 11 बजने वाला है दोस्तों। तो आज मैं जा रहा हूँ तिल्दा और तिल्दा शहर में बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे गणपति पप्पा का मूर्ति बैठाया गया। तो चलो आज मैं आपको तिल्दा लेके जाता हूँ और गणपति पप्पा का दर्शन कराता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग वीडियो में। और आज मैं पहुंच चुका हूँ तिल्दा नेवरा गणपति पप्पा का दर्शन कराने के लिए और आप मेरे पीछे देख सकते हैं पंडाल है। चलो यहाँ पे जाके अंदर जाके गणपति पप्पा का दर्शन आपको कराते हैं और हम भी करते हैं। कहाँ जाके छुपे गणराज तुम्हें ढूंढ रहा जग। गणेश भगवान है देख सकते कितने प्यारे गणपति पप्पा है। और पीछे का पंडाल कुछ इस तरीके से सजाया गया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, देख सकते हैं आप लोग। दोस्तों तो आगे में भी दिख रहे पंडाल, वहां पर भी चलते हैं और गणपति पप्पा का आपको दर्शन कराते हैं। देख सकते हैं पंडाल दिख रहे हैं यहां से, ये है रेलवे स्टेशन वाला रोड है। तो चलो अपन आगे जाके गणपति पप्पा का दर्शन करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर भी बहुत ही बड़ी और बहुत ही प्यारी गणपति पप्पा का मूर्ति बैठाई गई है। तो अभी अपन अंदर जाके गणपति पप्पा की मूर्ति आपको क्लियर दिखाते हैं। देख सकते हैं दोस्तों कितनी बड़ी गणपति पप्पा का मूर्ति है, देख सकते हैं बहुत ही प्यारी लग रही है। और पंडाल को कुछ इस तरीके से सजाया गया है, रात में कुछ अलग ही माहौल दिखता क्योंकि यहाँ पर पूरा लाइटिंग वगैरह किया गया, तो रात में बहुत ही अच्छा लगेगा। अभी मैं दिन में आया हूँ तो दिन में उतने ज़्यादा ठीक दिख नहीं रहा, लेकिन अपन गणपति पापा का दर्शन कर लेते हैं। और पंडाल के ऊपर में देखेंगे तो ऐसे झूमर लगा हुआ है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे गणपति पापा विराजमान है। दोस्तों तिल्दा कैंप के अंदर भी एक गणपति पप्पा की मूर्ति यहाँ पे विराजमान की गई, देख सकते हैं बहुत ही प्यारे हैं गणपति पप्पा, बहुत ही सुंदर मूर्ति है और डेकोरेट बहुत ही अच्छा तरीके से किया गया। देख सकते हैं किस प्रकार से जो फूल है और झाड़ी वगैरह रहते हैं उसको बहुत ही सुंदर तरीके से इस पंडाल को सजाया गया है। तारा पिता है महेश, जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश। जो गणेश समिति का नाम है राइजिंग सन गणेश उत्सव समिति। तो देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे गणपति पप्पा यहाँ पे बैठे हुए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे घोंसला वगैरह बनाया गया जिसमें चिड़िया वगैरह भी बैठाए गए हैं, फूल वगैरह को बढ़िया डेकोरेट किया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये तिल्दा कैंप के गणपति पप्पा है, तिल्दा कैंप के अंदर वाला। तो दोस्तों मेरे पीछे देख सकते हैं एक और गणपति पप्पा की बहुत ही सुंदर मूर्ति यहाँ पे बैठाई गई है तिल्दा कैंप के अंदर। तो चलो पीछे जाके आपको पूरा वीडियो आपको दिखाते हैं। तुम लौट के आओ ना गजानन, तुम लौट के आओ ना। तो कितनी प्यारी मूर्ति गणपति पप्पा की। और ये जो है बब्बर शेर में विराजमान है, देख सकते हैं। और नीचे देखेंगे तो एक छोटे वाले और गणपति पप्पा यहाँ पे रखा गया है और ज़बरदस्त लग रहा है यहाँ पे गणपति पप्पा का जो मूर्ति है। और जो पंडाल को देखेंगे तो कुछ इस तरीके से सजाया गया है, बहुत ही सुंदर पंडाल सजाया गया अंदर का देखेंगे तो। और गणपति पप्पा भी उतनी ही बहुत ही सुंदर और प्यारी मूर्ति यहाँ पे है। तो देख सकते हो दोस्तों बहुत ही सुंदर मूर्ति है। और नाम पूछते हैं, क्या नाम है भाई समिति का? एक गणपति। और इस जगह को क्या नाम है? जगह का नाम सिंधी कैंप। तो ये जगह का नाम है दोस्तों सिंधी कैंप तिल्दा नेवरा। और ये जो मूर्ति है, मूर्ति कहाँ से बनवाए हैं इसको? ये माना माना कैंप से आए हैं। अच्छा अच्छा, इसका जो ऊंचाई है तकरीबन कितने फीट का है? 12 फीट का है। तो देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही सुंदर और प्यारी मूर्ति गणपति पप्पा का यहाँ पे विराजमान है सिंधी कैंप में तिल्दा नेवरा में।
और जो गणपति पप्पा है बब्बर शेर में विराजमान है, और नीचे देखेंगे तो छोटा वाला और गणपति पप्पा यहाँ पे रखा हुआ है, और गणपति पप्पा का जो सवारी है मूसक उसका भी आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही प्यारे मूर्ति है यहाँ पे, और अंदर के पंडाल को देखेंगे तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया है। अगर हम लोग रात में आते तो रात में कुछ अलग ही माहौल दिखता लाइटिंग के कारण, लेकिन दिन में आए तो कोई बात नहीं, अपन गणपति पप्पा का दर्शन कर लेते हैं। तो दोस्तों तिल्ला नेवरा के जो सिंधी कैंप और कैंप के अंदर जितनी भी सारी मूर्तियाँ बनाई गई है सभी माना से लाई गई मूर्ति है रायपुर से, और बहुत ही प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर मूर्ति आपको दिखाया दोस्तों। तो चलो अभी मैं गांधी चौक तिल्ला नेवरा की तरफ जाता हूँ और उधर भी देखता हूँ, अगर कहीं भी गणपति पप्पा देखने को मिलेगा तो आपको भी दर्शन कराता हूँ। दोस्तों सिंधी कैंप के बगल में ही एक और गणपति पप्पा यहाँ पे विराजमान किया है, देख सकते बहुत ही सुंदर लग रहा है ये वाला गणपति पप्पा, और पीछे में देखेंगे तो पूरा गुब्बारा से डेकोरेट किया गया है, और गणपति पप्पा को मुकुट वगैरह पूरा पहनाया गया है, देख सकते पूरा वाइट वाइट, और उनका जो शरीर है नीले कलर में बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, और पीछे को पूरा गुब्बारा से डेकोरेट किया गया है। ये भी है तिल्ला नेवरा के जो सिंधी कैंप है वही का गणपति पप्पा, बहुत ही सुंदर है। दोस्तों ये वाला जो मूर्ति आप लोग देख रहे हो गणपति पप्पा का, ये भी बहुत ही सुंदर लग रहा है यार, रेड कलर का जो भी कपड़ा पहनाया गया देख सकते हैं लाल कलर में, और उसका मुकुट भी लाल कलर में, और गद्दी में बैठा हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये गणपति पप्पा का जो मूर्ति है। और इसका पंडाल भी देख सकते हैं, पंडाल को अच्छे तरीके से सजाया गया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये जो गणपति पप्पा है तिल्ला नेवरा के सुभाष चौक अंदर में जो हनुमान चौक है वहाँ की मूर्ति है, हनुमान भगवान का जहाँ मूर्ति बना है वहीं पे जस्ट बगल के ही पंडाल है जहाँ पे ये गणपति पप्पा का सुंदर मूर्ति बैठाया गया, देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही सुंदर गणपति पप्पा की मूर्ति है। तो दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही सुंदर गणपति पप्पा की मूर्ति है, और गणपति पप्पा गद्दी में विराजमान है, इसकी जो मुकुट को देखो तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, और पीछे का जो बैकग्राउंड है ज़बरदस्त डेकोरेट किया गया है फूल वगैरह से, देख सकते हैं आप लोग। और यह जो समिति है तिल्ला नेवरा के गांधी चौक का या गणेश भगवान का मूर्ति है, बहुत ही सुंदर मूर्ति लग रहा है। ये मूर्ति कहाँ का है? थनौत। तो देख सकते हैं दोस्तों हमने तिल्ला नेवरा की उधर का जो मूर्ति देखा वो रायपुर के माना कैंप से आया हुआ था, ये वाली जो मूर्ति है जो प्रसिद्ध मूर्तिकार है ग्राम थनौत वहाँ की मूर्ति देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर मूर्ति है ये। दोस्तों कैंप के पीछे में भी एक बहुत बड़ी गणेश भगवान की मूर्ति बैठाई गई है, और बहुत ही सुंदर मूर्ति है। अभी तो गणेश भगवान की मूर्ति को ढक दिया गया है देख सकते हैं, और यहाँ पे लाइटिंग वगैरह भी है बढ़िया, बच्चे लोग के लिए खेलने के लिए कूदने के लिए भी यहाँ पे है, और बढ़िया स्पेस भी है। तो अभी गणेश भगवान का दर्शन नहीं करा सकते क्योंकि अभी ढक गया है, लेकिन कभी रात में आएंगे दोस्तों तो आप लोग को यहाँ इस वाले गणेश भगवान का दर्शन आपको कराएंगे। अभी मैं कृषि उपज मंडी तिल्ला नेवरा के सामने में हूँ, और यहाँ पे देखेंगे तो सामने में एक गणपति पप्पा का यहाँ पे मूर्ति स्थापना की गई, देख सकते हैं बहुत ही सुंदर गणपति पप्पा की मूर्ति है यहाँ पे, और जो पंडाल है पंडाल को भी ज़बरदस्त डेकोरेट किया गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ की जो गणपति पप्पा है बहुत ही प्यारी गणपति पप्पा देख सकते हैं, मूर्ति तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, ये वाला जो मूर्ति है गणपति पप्पा की बहुत ही सुंदर लग रहा है यार। तो ये वाला जो गणपति पप्पा है दोस्तों कृषि उपज मंडी जो तिल्ला नेवरा है उसके जस्ट सामने वाला गणपति पप्पा है, और अंदर का डेकोरेशन कुछ इस प्रकार से है, अगर हम रात में आए रहते तो लाइट के कारण और कुछ अच्छा माहौल दिखता है यहाँ का।